अगर आप भी जल्दी से प्रेग्नेंट होना चाहती हो और घर में बच्चों की किलकारियां सुनना चाहती हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स में, जी हाँ बस 3 स्टेप्स में ये बताने वाला हूँ कि आपकी बच्चेदानी का मुँह महीने में किस दिन खुलने वाला है। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि स्टेप नंबर 3 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं अपने स्टेप नंबर 1 के बारे में। तो स्टेप नंबर 1 है ट्रैक योर पीरियड डेट्स करेक्टली। फ्रेंड्स, जब मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपके कमेंट्स पढ़े तो मुझे पता चला कि कई सारी फीमेल्स को पीरियड्स की डेट में ही कंफ्यूजन रहती है। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि आपको 24 मई को पीरियड स्टार्ट हुआ है और लगभग हर महिला के पीरियड्स 7 दिन आते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि 24 मई से 30 मई तक आपको पीरियड आए हैं, तो इस केस में आपको पीरियड्स की स्टार्टिंग डेट 24 मई नोट करनी है। और इसी तरह आपको अगले 2 से 3 महीने अपने पीरियड्स की स्टार्टिंग डेट एक कॉपी पर नोट कर लेनी है, ताकि आप स्टेप नंबर 2 में पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट कर पाओ। तो फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 2 बच्चेदानी का मुंह खुलने वाले दिन को निकालने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला स्टेप नंबर 2 में हम पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। वैसे तो पीरियड साइकिल लेंथ कोई भी फीमेल बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकती है, पर फिर भी कई सारी फीमेल्स को इसे कैलकुलेट करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। तो लेट्स अज्यूम कि आपको 24 मई को पीरियड आया है और अगला पीरियड 21 जून को आया है। तो चलो अब हम इस केस में पीरियड साइकिल लेंथ काउंट करते हैं। 24 मई को हम डे 1 काउंट करेंगे, क्योंकि 24 मई को पीरियड स्टार्ट हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 21 जून को दूसरा पीरियड स्टार्ट हुआ है। तो 21 जून को काउंट करने के बाद आपकी पीरियड साइकिल लेंथ आई 29 डेज की। और फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह आपको भी अपने पीरियड्स की डेट के हिसाब से अपनी पीरियड साइकिल लेंथ काउंट कर लेनी है, क्योंकि स्टेप नंबर 3 में पीरियड साइकिल लेंथ का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि स्टेप नंबर 3 में हम बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला दिन कैलकुलेट करते हैं, तो बच्चेदानी का मुंह खुलने वाले दिन को कैलकुलेट करने के लिए आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ में से 14 डेज माइनस करने पड़ेंगे। चलो एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो मान लो कि आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 29 डेज की है, तो 29 - 14 होता है 15। तो इस केस में आपकी बच्चेदानी का मुंह पीरियड की स्टार्टिंग डेट के 15 डेज बाद खुलेगा। अब चलो इसे भी हम स्टेप नंबर 2 वाले एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, जिसमें पहला पीरियड 24 मई को आया था और दूसरा पीरियड 21 जून को आया था। तो इस वाले एग्जांपल में पीरियड साइकिल लेंथ 29 डेज की थी। तो इस हिसाब से इस एग्जांपल में बच्चेदानी का मुंह 21 जून के 15 दिन बाद खुलेगा। चलो अब हम वो दिन काउंट कर लेते हैं। 21 जून को हम डे 1 काउंट करेंगे, क्योंकि 21 जून को पीरियड स्टार्ट हुआ था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, यानी इस केस में बच्चेदानी का मुंह 5 जुलाई के आसपास खुलेगा। और इसलिए ही अगर इस केस में फीमेल को प्रेग्नेंट होना है तो फीमेल को 5 जुलाई से 5 दिन पहले से लेकर 5 जुलाई के 2 दिन बाद तक हर दिन इंटरकोर्स करना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको जल्दी प्रेग्नेंट होना है तो इस वीडियो को रिवाइंड करिए और दोबारा देखिए, ताकि आप वो दिन आसानी से निकाल पाओ जिस दिन आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलता है। खैर, इस वीडियो को दोबारा देखने के बाद भी आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और बीच वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।